अब उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आपको उनसे मिलवाते हैं। सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में है, हमारे साथ विवेक बंसल जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक बंसल जी, क्या हो रहा है ये? कभी पत्रकारों को लेकर अलग अलग बयानबाजी आ रही है और सनातन पर तो आप लोग फुल एक्टिव मोड में हैं ही, एक के बाद एक बयानबाजी किए जा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? कारण जो भी है, पार्टी ने कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित जो लोग पूरी तरीके से इस समय वर्तमान सत्ता के सामने, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि सत्ता के सामने जिन्होंने गुत्ते टेक दिए, पत्रकारिता लोकतंत्र के किसी भी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होती है और अगर वही कहीं ना कहीं नम जाए, वही कहीं ना कहीं अपने जो लोकतंत्र की मान मर्यादाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो उस पर खरा न उतरे, तो फिर कैसे लोकतंत्र ज्वलंत रहेगा? कैसे पत्रकारिता के प्रति जो आस्था है आम जनमानस के, चौथा स्तंभ है। अच्छा विवेक बंसल जी, ये कांग्रेस का फैसला था या पूरे गठबंधन के सभी दलों ने एक मुश्त में ये फैसला लिया था? देखिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस से ये कांग्रेस ने फैसला लिया है, कांग्रेस ने ये महसूस किया, कांग्रेस ने फैसला लिया है, ठीक है, कांग्रेस ने फैसला लिया है और इसी वजह से शायद नीतीश कुमार जी वहां पर समाजवादी पार्टी आप लोगों के फैसले के साथ में नहीं है, ठीक है। यादव जी, फैसले में है कि नहीं, साथ है कि नहीं, समय बताएगा। अरे नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया गठबंधन धर्म है तो सभी से बातचीत करके फिर फैसला लेते हैं, अब यही कुछ होता है, लेकिन शायद अब आपके यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा हो, ठीक है। यादव जी बताइए, स्पष्ट हो गया कांग्रेस का फैसला है, बोल दिया उन्होंने। देखिए मांशु जी, ये तो स्पष्ट है ही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लोकतंत्र में और जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता हो, ऐसे भारत देश में हमने मीडिया पर इस प्रकार की टिप्पणी, बैन, बॉयकॉट, ऐसी चीजें सुनना, मतलब मेरा तो मानना यह है कि लोकतंत्र में बैन शब्द ही ये अपने आप में अलोकतांत्रिक है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या विपक्ष को बचना चाहिए। पर यह तो स्पष्ट है, अभी हमारे कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि कांग्रेस का फैसला है और चूंकि अब ये पूरा एनडीए अलायंस एक साथ उठता बैठता खाता सोता सब कुछ एक साथ करते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए सबका सामूहिक फैसला भी हो गया। पर देश ने दो ही बार देखा है कि मीडिया पर ऐसा बैन लगा, एक बार 75 में लगा। फैसला कहां हुआ जब वक्त-वक्त पर नीतीश जी मना कर रहे हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं गलत है, दूसरी तरफ अमित जमाई समाजवादी पार्टी का स्टैंड यहां पर आ गया, तो ये सामूहिक कैसे हुआ? देखिए हिमांशु जी, ये मजबूरी है, देखिए अंदर दबी आवाजों में हो सकता है लोग ना सहमत हो, मैं नीतीश जी को नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है और लोग नहीं, और लोग भी साथ नहीं आ रहे, अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस तो इस मानसिकता से ग्रसित रही है। पत्रकारों की बात हो गई, ये स्टैंड आज क्लियर करना था, टाइम्स ऑफ भारत पर ये स्टैंड क्लियर हो गया कि ये कांग्रेस का फैसला था, लेकिन सनातन का क्या कसूर? सनातन पर लगातार वार क्यों, उसके पीछे आपको क्या लगता है? हाँ, मैं बस अपनी पिछली बात भी 5 सेकंड में पूरी कर लूं। हमने देश में दो ही बार देखा कि कैसे मीडिया पर आघात किया गया और हमने एक बार 75 में देखा जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और एक बार हम आज देख रहे हैं जब देश का विपक्ष मीडिया को बॉयकॉट कर रहा है। ये बात तो रही मीडिया की, अब एक तरफ ये है हिमांशु जी और दूसरी तरफ है कि जब 24 में हम चुनाव में जाने वाले हैं और कुछ पार्टियां एक साथ आई, उन्होंने बोला कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, मीडिया को बंद करके हमें लोकतंत्र को बचाना है, पर वो आ गए अपने एजेंडा पर सनातन को गाली देने के लिए। ये जो मानसिकता है कांग्रेस की और पूरे विपक्ष की, ये कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बहुत सोची समझी मानसिकता है। और इसीलिए जब तमिलनाडु में कांग्रेस के चीफ कहते हैं कि हमारा गठबंधन डीएमके से एंटी सनातन एजेंडा को लेकर के ही हुआ है, अच्छा। हम एंटी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन वीडियो बोला है मांशु जी, बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा है कि हमें सनातन को यहां से खत्म करना है, अच्छा। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का जग जाहिर एजेंडा है, जब जब इनकी बैठक हुई है पूरे अलायंस की तब तब इस प्रकार की बातें बाहर निकल ये आपकी तरफ से हो गया। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वामी चक्रपाणी जी एक बात बताइए मुझे, सनातन पर एक के बाद एक प्रहार हो रहा है, कुछ बता देता हूं मैं, डेंगू मलेरिया का उदाहरण दिया उदय नीतीश स्टालिन ने, सनातन की तुलना एचआईवी से कर दी, ए राजा ने तिलक लगाने वाले देश को गुलाम बनाएंगे जगदानंद सिंह की तरफ से कहा गया, के पोन मुडी का जिक्र अभी किया कि इंडिया गठबंधन का सनातन के खिलाफ ही बना हुआ है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह भी यहां पर कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, लंबी लिस्ट है। अब साधु संतों का क्या स्टैंड है? राम भद्राचार्य जी को हम सुन रहे थे, वो तो खुलेआम कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, साधु संतों का स्टैंड बताइए। हिमांशु जी, एक तो आपको सभी देशवासियों को अपने देश के प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामना बधाई। देखिए सवाल इस बात का है, इस समझना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सनातन धर्म ऐसा है जो सबको
सबको परिवार माना है, यानी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत जिसने दिया, यानी पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति परिवार माना। अच्छा। जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत के सिद्धांत दिया। उस सनातन धर्म पे आरोप लगाना, उसका उन्मूलन की संकल्प लेना इंडिया गठबंधन के लोगों को, और ये कहना कि हम 26 इंडिया गठबंधन एक साथ हैं सनातन को खत्म करने के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा निंदनीय, इससे बड़ा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। और ये देखिए, मोर्चा खोल दिया है क्या, आप भी जा रहे जनता के बीच में, और प्रवचन जब भी होते हैं तो प्रवचन से, प्रवचन के दौरान मंच से ये कहा जाएगा? हिमांशु जी, यह तो स्वाभाविक है कि कोई भी अपने सनातन धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो हम तो उसको छोड़ेंगे थोड़े। अच्छा। उसको तो अपने तरीके से हम उसकी निंदा भी करेंगे, उसकी आलोचना भी करेंगे, और अपने समर्थकों के साथ। अभी तो जो उन्होंने जूनियर स्टालिन ने बोला, या वहां के शिक्षा मंत्री ने बोला, या बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने बोला, या जगदानंद जी ने, या स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में, सबके खिलाफ शिकायत जाते हैं। अब उस पर कितना कार्रवाई होता है, क्या कानून कहता है, ये तो बात की बात है। अच्छा। लेकिन एक बात है कि आप, ये विश्व का पहला भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुसंख्यक वर्ग की धार्मिक भावना को आद करके ये जो कांग्रेस है, चाहे और भी जो इंडिया गठबंधन है, वो चाहते हैं कि हम जीत जाएंगे। कैसे? अच्छा, ये इसका जवाब मुझे लेने दीजिए। मुफ्ती वजाहत कासमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कासमी साहब, मुझे ये बताइए, जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि बहुसंख्यक की भावनाओं को आहत करके सोचते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करके वोट ले लेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं, क्या आपको भी ऐसी कुछ मंशा नजर आती है? देखिए मेरे भाई, पहले तो देश के आली जनाब प्रधानमंत्री को और पूरे देश को बल्कि मुबारक बात देता हूं, उनके मुबारक मौके पर, जन्मदिन का मौका है उनके लिए, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वो देश के लिए इसी तरह स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें और देश के लिए भागते दौड़ते रहें। दूसरी बात यह है कि मैं इस पर अपने विचार रख चुका हूं। मैंने बताया था कि सनातन जो है वो एक कल्चर है, एक जो है परंपरा है, और जो हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। सनातन को अगर एक धर्म समझ करके हम उसको बुरा भला कह रहे हैं तो ये हमारी गलत बात है। हाँ। और अगर मैंने मान लिया कि चलिए सनातन एक धर्म है, हाँ, तो मैं समझता हूं कि देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का धर्म है, हमें हाँ, उसका सम्मान और उसकी इज्जत करनी चाहिए। सस्ती शोहरत के लिए, सस्ती राजनीति के लिए सनातन के 100 करोड़ लोगों को, अच्छा, कम ये से सस्ती, कम हमें इस तरह की सस्ती शोहरत, सस्ती राजनीति, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ऐसा है क्या? आपका क्या मानना है? सस्ती शोहरत है, सस्ती राजनीति है, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, देखिए ये जो सनातन पर हमला हो रहा है, इससे कई बातें निकल के आ रही हैं। मेरे जहन में ये है, सबसे पहले तो ये है क्या कि मैं ऐसे लोगों का समर्थन कतई नहीं करता जो किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी चाहे वो अपने ही मजहब के खिलाफ कोई बोलता हो, मैं ऐसे लोगों का, आपने, तो ऐसे लोगों को क्या मुस्लिम पक्ष वोट देगा? आप, मैं आपका एक नजरिया जानना चाह रहा हूं। सुन ले, सुन ले भाई, सुन ले। अब आप इस्लाम और मुसलमानों के बागियों को आप लोग चैनलों पर जो जगह आप देते हो, हम अपने दिल में, अपने जहन में, अपने दिमाग में जगह नहीं देंगे। हमें ऐसे ऐसे चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का शहजादा हो, चाहे वो बिहार में बैठे हुए शिक्षा मंत्री हो, जो वो लोग बोल रहे हैं, ये इनकी पार्टी के नेताओं का ऐसा, जो इनके मुखिया है उनका ऐसा बयान होगा नहीं। अच्छा। लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनपे, तो कहीं ना कहीं वो भी उसमें है, कड़कड़े में है। हाँ। मेरा ये मानना है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो बैठे हैं वो लाचार हैं क्या, बेबस हैं क्या? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं, जैसे क्यों नहीं कर रहे हैं? या इससे ये लोग फायदा लेना चाहते हैं, या इन लोगों ने एजेंट बना करके इन पार्टियों में ऐसे लोगों को छोड़ रखा है? बताया तो कुछ सही क्या है, मंत्री बना दिया एजेंट बना के? अच्छा, नहीं, मुझे ये बताइए, अब मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ, अहमद साहब, मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूं, क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा बोलने से मुस्लिम वोट बैंक मिल जाएगा? क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कोरा झूठ है। हाँ। मुसलमान समझ चुका है कि हमें किसने कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। हाँ। आप किसी के बहकावे में नहीं आएगा मुसलमान। हम तो फिर आपके चैनल पर खुल करके कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ चिंटू हैं, अगर ये अपनी बकवास करना बंद कर दे तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार है।
लेकिन जो बातें बातें हो रही हैं मैदान में, मोदी जी कुछ और बोल रहे हैं साहब, और उन्हीं के कैबिनेट में बैठे हुए गिरिराज जी कुछ और बोल रहे हैं। आज जो ये मुद्दा उठा है योगी जी, कुछ और अहमद साहब, आज ये जो मुद्दा उठा है वो किस लिए? बीजेपी की तरफ से बयान इस पर आप? अच्छा ठीक है, मैं सबसे सबसे बात करूंगा, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, सबसे बात जरूर करूंगा, छोटा सा ब्रेक है। और बात यहां पर की जा रही है इंडिया गठबंधन की, जो ये लगातार सनातन पर वार कर रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई हो चुकी है। शक्ति यादव जी अपनी बात रखी, उससे पहले अहमद जी ने अपनी बात रखी थी। शक्ति यादव जी सुन रहे, माफ कीजिए सिद्धार्थ यादव जी, सवाल उठाए गए थे अजहरी साहब की तरफ से, अहमद साहब की तरफ से, और कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से ही ये सब किया जा रहा है। देखिए हिमांशु जी, ये तो आश्चर्य की बात है। अभी हमारे मैं जानता नहीं, उनको परिचय नहीं है मेरा, कितने वो हैं धर्मगुरु या तथाकथित धर्मगुरु हैं, पर उन्होंने कहा कि ये जो भाजपा के चिंटू हैं ये ऐसी बातें ना बोलने लगे तो मुस्लिम समाज भी साथ दे। अरे मुस्लिम समाज तो वैसे ही साथ दे रहा है, ट्रिपल तलाक के बाद सारी मुस्लिम महिलाएं, सारी हमारी बहनें, सब बेटियां वो साथ आ गई हैं। जो गरीब कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, उसमें सब साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी सरकार इसमें भेद नहीं करती। अगर किसी को घर दिया जा रहा है, किसी घर में नल से जल दिया जा रहा है, किसी को उज्ज्वला का सिलेंडर दिया जा रहा है, किसी घर में लाइट का कनेक्शन लगाया जा रहा है, किसी को मुद्रा का लोन दिया जा रहा है, ये सब कुछ धर्म पंथ समाज से हटकर नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो एक बात और की थी उसका जवाब दीजिए। और सबको लाभ मिलने के बाद अगर आप जैसे लोग, ये तो मैं आपके लिए कहूं, हाफिज नूर अहमद, हो सकता है हाफिज नूर अहमद ने एक बात और की थी, उसका जवाब दे दीजिए कि बीजेपी चाहे तो ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकती, लेकिन वो भी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इसको हवा दे रही है, इसका जवाब दीजिए। देखिए हिमांशु जी, इसमें कोई कार्रवाई, इसमें कोई किसी को फायदा उठाने का कोई विषय नहीं है। हमने तो बहुत पहले कई बार बोला है, हमारे लिए ये विषय वोट का विषय है ही नहीं, हमारे लिए ये चोट का विषय है। इसीलिए जब ऐसी बात सनातन के लिए कही गई और उसको इतनी बद्दी टिप्पणियां करी गई, तो हम सबसे पहले थे जिसने आकर के इसका विरोध किया। ये पूरे इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस पार्टी वाले तो मुंह से, इनके मुंह से जवान नहीं निकल पा रही, इनके तो मुंह में दही जमा करके बैठ गए सब लोग। राहुल जी, सोनिया जी, कौन बोल पाया? कोई नहीं बोल पाया। वेणुगोपाल जी बोले तो बोले कि सबको स्वतंत्रता है बोलने की। अब वहां पर उन्होंने जिस प्रदेश में बात बोली, उस प्रदेश में उनकी भी सरकार है, और जब उचित जो कार्रवाई जैसी बनेगी वो निश्चित करी जाएगी और सब पर करी जाएगी। पर ये तो देश के सामने, देश को चुनना है, कार्रवाई तो देश करेगा कि आज किसको लेकर के आना है, सनातन को इस प्रकार की गाली देने वालों के लिए या सनातन और संस्कृति के सम्मान के खड़े होने वाले के लिए। फिर से स्पष्ट कर देता हूं, हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे लिए एक चोट का विषय, और हम जब तक सनातन के खिलाफ बोला जाएगा हम इसका विरोध दर्ज कराएंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बंसल जी, चौतरफा घेराव करने की कोशिश है, साधु संत तो है ही, दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है, जगह जगह सनातन का मुद्दा उठाते हैं। स्मृति ईरानी गई मध्य प्रदेश में, कहती है कि धर्म अधर्म की लड़ाई है। देखिए ये तो स्वाभाविक है, ये तो इस तरीके को, क्योंकि इनके पास मुद्दे अब बहुत रह नहीं गए हैं। जिस तरीके से आज पूरी तरह से महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे मणिपुर की घटनाएं हो, चाहे जिस तरीके की घटनाएं घटित हो, चाहे अडानी के जो प्रकरण दिन प्रतिदिन आ रहे हैं उनको लेकर बीजेपी के नेता खड़े में खड़े हो रहे हैं, और ये सब मौजूदा सत्ता में दल खड़ा हो रहा है, तो ये तो स्वाभाविक है। धर्म और अधर्म की लड़ाई को क्या है, इसको इस तरीके से ये करना चाहेंगे, इनको ये उम्मीद है कि इस तरीके से करके। तो आपको क्या लगता है, आप किसके साथ है, धर्म या अधर्म के साथ? देखिए हम वो हर वो चीज जो धर्म की जो कहता है कि धर्म सच्चाई की बात करता है, धर्म मानवता की बात करता है, धर्म प्रेम की बात करता है, धर्म सर्व धर्म संभाव की बात करता है, हर धर्म के आदर करने की बात करता है, हम उस धर्म के साथ हैं। और हर कोई होगा, जो भी एक जिसका भी स्वस्थ सोच होगा वो इसके साथ होगा। तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों आज? आज बंसल जी क्लियर करिए, देखिए मेरे को एक बात बताइए, आज क्लियर करिए, जैसे शुरुआत में आपने कहा पत्रकारों वाला फैसला कांग्रेस का था आपने कहा, तो क्या ये जो सनातन पर वार पर वार पर वार हो रहे हैं ये भी फैसला आप लोगों की तरफ से है क्या? देखिए हिमांशु जी, जो आप गौर से बार बार इस चीज को आप कर रहे हैं और बीजेपी उसको बार बार लेकर रो रही है, आप ये देखिए सनातन धर्म को, ये हम सब स्वीकारते हैं कि सनातन धर्म शाश्वत है, सनातन धर्म आदिकाल से इसके बावजूद की आक्रांता आए, उन्होंने उसे तो मुझे कहीं ना कहीं नाबूद करने का प्रयास किया पर नहीं कर पाए ना, पर ये भी इसके साथ साथ समांतर एक तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि सनातन शाश्वत है, लेकिन जब के पोनमुखी डीएम के नेता कह रहे थे इंडिया गठबंधन सनातन के खिलाफ ही बना है, उस वक्त आपने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई, खुलकर सामने क्यों नहीं आए आपके नेता?
खुलकर। देखिए हमारे नेता वेणुगोपाल ने कहा कि हम सब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम समस्त धर्मों का आदर करते हैं, सब धर्मों को हम मान सम्मान देते हैं। उन्होंने ये बात को कहा विवेक बंसल जी, हमारी आस्था पूरी है। पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है, आपके बड़े नेताओं की तरफ देख रहा है कि जो स्टैंड लेते हैं, जो बोलते हैं गलत गलत है, सही सही है, जो खुलकर बोलते हैं, यहाँ पर भी चाह रहे थे कि बोले, बोलते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग उस बात पे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और बोले हैं, तो आप इस बात को बार बार इनके इनका जो गेम प्लान है आप तो मुझे एक बात बताइए, नहीं अब आप कंप्लीट कीजिए, आप ज्यादा प्रश्न मत पूछिए, आपका भी नाम लिस्ट में आ सकता है, वो बार बार आप भी आ रहे हैं नहीं, आपको नहीं, भी मिल जाएगी ट्रॉफी इनकी ओर से, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, बीजेपी ने जवाब दिया सिद्धार्थ यादव जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो अभी बातें कही हैं, मैं भी बाकी उन्हें जानता नहीं हूँ, वो तथाकथित प्रवक्ता है या वाकई में प्रवक्ता है, ये बात मैं उनसे कहूंगा मैं कि आप टहलाइए नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, कौन कौन क्या है ये अलग बात है, लेकिन आप टहलाइए नहीं, आप बात वो कीजिए जो तथ्यों के आधार, कट सवाल पूछे, कट टू कट जवाब दूंगा। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या सरकार बेबस है, सरकार लाचार है क्या, सरकार आप हुक्मरान हो करके अगर आप इस तरह बेबसी की बातचीत करेंगे, आपकी बात अधूरी ना रह जाए, इसलिए तुरंत जवाब दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी तुरंत जवाब दीजिए, नहीं सनातन धर्म नहीं, किसी भी धर्म पर नहीं है, सवाल पूछा जवाब दीजिए, कोई बोले उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप जवाब भी सुनिए, आपको शायद जानकारी नहीं है, इस केस में FIR दर्ज करी गई है, वैसे तो लॉ स्टेट का विषय होता है, वो सेंटर का विषय नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर उनके राज्य में नहीं, हमने बाहर के राज्य में FIR दर्ज करवाई और बिल्कुल उचित कार्रवाई करी जाएगी, पर आज उन पर अभी तक कार्रवाई चुकी नहीं हुई और वो दोषी पारित नहीं हुए, इसलिए आप लोग उनके डिफेंस में आ जाएंगे और कहेंगे जब तक वो दोषी नहीं है तब तक तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था, क्योंकि सनातन को गलती नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो गलत हाफिज साहब। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, मुझे ये बताइएगा कि आपके घर परिवार में अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, गलत बातें करता है, तो उसे आप लोग समझाएंगे या फिर बाहर से कोई आके बोलेगा, ये बताइए। देखिए घर परिवार और ये मजहब की बात है, मजहब किसी अरे ये परिवार इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन परिवार नहीं है क्या बंसल जी? तो बाहर बहुत आपने सुना नहीं पहले हिमांशु जी मैंने पहले ही कहा कि जिन पार्टियों के वो लोग लीडर हैं, बोल रहे हैं, उन पार्टियों के नेताओं ने कार्रवाई क्यों नहीं की उन पे, क्या वजह है? अब अभी तो ये भी समझ में नहीं आया कि चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, चंद्रशेखर एक के बाद एक बयान दे रहे, तेजस्वी बोलते हैं कि उनको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी बिल्कुल गलत है, फिर भी टेप चालू है, वो लोग सजा के मुस्ताहक है, वही तो कह रहा हूँ मैं, वो सब सजा के मुस्ताहक है। तो यही बात विवेक बंसल जी से बोलिए ना, इंडिया गठबंधन के बहुत प्रमुख चेहरे हैं वो अभी आपने एक बात उठाई थी कि वो DMK के किसी ने ये कहा था जब ये गठबंधन हुआ था, तो ये गठबंधन जो है सनातन के खिलाफ हुआ और कांग्रेस के लोग खामोश रहे, तो ये बात इसमें कांग्रेस भी मुजरिम है, कांग्रेस के लोगों अपनी हकीकत लोगों के सामने बयान करनी चाहिए, जो सच है वो सच ही रहेगा हर हाल में। बंसल जी किसी मजहब पर उंगली उठा करके राजनीति करेंगे तो ये देश में नहीं चलेगा, मेरा देश जाग रहा है। देखिए खुलकर बोले जा रहे हैं हाफिज नूर अहमद साहब, कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, कहिए बंसल जी। देखिए मैंने आपसे हमारी पार्टी ने अपना जो स्टैंड है वो बहुत स्पष्ट किया, उस पर बोले, और देखिए घटक दल का मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे घटक दल को पूरा उस पर नियंत्रण रखें, बहुत सी चीजें होती हैं। नहीं नहीं बंसल जी एक आम नागरिक बंसल जी प्लीज एक छोटी सी बात सुन लीजिए, बंसल जी एक आम नागरिक, एक दर्शक का सवाल है वो ले लीजिए प्लीज, एक दर्शक ये जानना चाहता है कि जिस तरह से आपकी तरफ से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें पत्रकारों के नाम थे, ऐसे ही आप लोगों की तरफ से या फिर गठबंधन के सभी दलों की तरफ से कुछ नियम कायदे कानून क्यों नहीं बनाए जाते कि 2024 तक ऐसे बयानों से दूरी बनाई जाए, और कोई करता है तो उस पर कार्रवाई हो। देखिए हमारे ये जो दर्शक ने ये सवाल रखा है उस पर ये बहुत सोचनीय सवाल है, और इस पर होगी और इस पर 2024 के बाद सोचा जाएगा।
चलिए एक छोटा सा ब्रेक और लेना होगा, एक ब्रेक और लेना होगा, आप सभी हमारे साथ जुड़े, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।